देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसे प्रकृति ने संवारा है। आज हिमाचल देश के विकास का मजबूत भागीदार बनकर उभरा है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल के विकास की रफ्तार तेज है और यहाँ के लोगों की खुशियाँ चौगुनी। हिमाचल में प्रशंसनीय काम हो रहा, ईमानदार नेतृत्व, शांतिप्रिय वातावरण, देवी देवताओं का आशीर्वाद और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हिमाचल के लोग, ये सब अतुलनीय है। हिमाचल के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। विकास का एक अहम पैमाना है इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए और सामरिक महत्व के एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही में होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए राज्य में करीब 50,000 करोड़ रुपए की लगभग 200 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गति शक्ति की स्पिरिट से काम हो रहा है, जिनमें ऑल वेदर सड़क, टनल, रोप वे आदि शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देशों से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है हिमाचल के निवासियों और देश दुनिया से यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर लैंडस्लाइड की समस्या से निजात दिलाने वाले विभिन्न राजमार्गों पर कुल 50 किलोमीटर लंबाई वाली 40 से अधिक टनल के समूह का निर्माण, जिस पर काम तेजी से हो रहा है। इन सभी टनल प्रोजेक्ट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी कम होगी और हिमाचल के विभिन्न भागों की यात्रा में करीब 15 से 20 घंटे का समय बचेगा। साथ ही 15 रोपवे दुर्गम क्षेत्रों एवं कई धार्मिक स्थानों तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाएंगे। कुल्लू, नगवई, भुंतर एवं बजौरा के लिए बाईपास से इन शहरों के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही कुल्लू में होने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। हिमाचल में प्रगति की अनवरत धारा को और आगे ले जाते हुए करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबी 4 लेन पिंजौर बद्दी नालागढ़ परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी व नालागढ़ के उद्यमियों और कारोबारियों को अपने उत्पादों को गंतव्य तक समय से पहुंचाने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी अच्छी होगी और इस पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। साथ ही सर्विस रोड बनने से स्थानीय नागरिकों की परेशानी खत्म होगी, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर मात्र 25 मिनट हो जाएगा। इन सभी परियोजनाओं से पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हिमाचल प्रदेश खुशहाली और प्रगति की ओर नई तेजी से अग्रसर होगा। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। अमृत काल में जब देश ने विकसित भारत का विराट संकल्प लिया है, तो आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ हिमाचल उस संकल्प में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।